गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डेटा एनालिसिस से रिलेटेड मैं डिफरेंट फंक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रीवियसली फ्रेंड्स, मैं दो वीडियो शेयर कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तो ऊपर आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर वो दोनों वीडियो अवेलेबल होंगे, आप प्लीज उनको भी जरूर देखिएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिक फंक्शन के बारे में। राइट, यूनिक फंक्शन है क्या फ्रेंड्स? सपोज फ्रेंड्स, मेरे पास एक लिस्ट है। राइट, इस लिस्ट के अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वांटिटी है, कितना उनका प्राइस है और कितना उनका सेल हुआ। राइट, उनका सेल प्राइस क्या है वो मेरे को यहां पर मेंशन है। मेरे को फ्रेंड्स यहां पर एक लिस्ट चाहिए अपने प्रोडक्ट की। राइट, मेरे पास प्रोडक्ट्स यहां पर भी है लेकिन मेरे को यहां पर एक यूनिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए। जैसे स्टैंप फ्रेंड्स मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, स्टैंप यहां पर मेरे पास फिर रिपीट हो रहा है, आगे स्टैंप फिर लिखा हुआ है, तो अलग अलग प्रोडक्ट रिपीट हो रहे हैं। ये तो बेसिकली ये सेल की लिस्ट है मेरी, इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट रिपीट होंगे। मेरे को चाहिए एक यूनिक लिस्ट जहां पर एक प्रोडक्ट एक ही बार आए, एक लिस्ट चाहिए मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स की। तो कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स यहां से यूनिक की मैं लिस्ट? तो फ्रेंड्स, एक तो अपने पास एक्सेल के अंदर डेटा में, डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है। राइट, तो इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, ये आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा है यहां से डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा और जो यूनिक वैल्यू होगी वो रह जाएगी। मेरे को यहां से हटाना नहीं है, मेरे को एक फॉर्मूले के थ्रू यहां पर लेकर आना है। राइट फ्रेंड्स, लेकर आना है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? इक्वल्स टू यूनिक ब्रैकेट स्टार्ट, यूनिक ब्रैकेट स्टार्ट एरे। राइट, कौन सी एरे? मतलब वो रेंज जहां से यूनिक निकल के आएगा। तो मैंने बोला जी यूनिक यहां से निकलेगा, यूनिक यहां से निकालो। राइट, और ब्रैकेट को कर दो क्लोज एंड एंटर। एंड फ्रेंड्स, देखेंगे इसमें जो भी प्रोडक्ट रिपीट हो रहे थे वो सारे प्रोडक्ट्स यहां पर आ चुके हैं। राइट, यहां पर सारे वो प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो प्रैक्टिकली फ्रेंड्स इसका यूज क्या है मैं अभी अगले फिल्टर का जो फंक्शन है वहां पर दिखाऊंगा। मल्टीपल पर्पस से फ्रेंड्स इसकी मेरे को जरूरत पड़ती है, मेरे को यूनिक आइटम्स चाहिए होते हैं, बट एक पर्पस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अगले फिल्टर के फंक्शन में दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। फिल्टर के अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, आइटम्स हैं, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। राइट, सेम वही डेटा है जो हमने यूनिक में देखा था। मेरे को सपोज फ्रेंड्स, एक तो फिल्टर का अपना फंक्शन होता है जो डेटा के अंदर आप फिल्टर को यूज करते हैं। यहां पर फ्रेंड्स ये फिल्टर क्रिएट हो जाता है, मेरे को कहीं पर भी फिल्टर लगाना है, फ्रंट ऑफिस पे लगाना है, फ्रंट ऑफिस का डेटा दिखा देगा, मुझे सेल्स का दिखाना है, सेल्स पे फिल्टर लगा देगा, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। राइट, दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स क्या है, मैं यहां पर फिल्टर नहीं लगाना चाहता, मैं इस फिल्टर डेटा को, सपोर्ट के डेटा को एक अपनी रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं, इस यहां से डेटा जाए और वो रिपोर्ट में दिखे, तो एक फिल्टर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। मैं फिल्टर का एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, जैसे कि मैं यहां पर एक फिल्टर का फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट, फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट क्या पूछता है? अरे रेंज, मैंने बोला जी ये रेंज है, यहां से फिल्टर लगाओ, ठीक है जी, कोमा, फिर क्या पूछता है? इंक्लूड, क्या इंक्लूड कराऊं? राइट, क्या इंक्लूड मतलब फिल्टर लगाना क्या है? मैंने बोला जी फिल्टर लगाना है इस रेंज पे। राइट, इस रेंज पे, दिस रेंज इज इक्वल्स टू, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, किसके बराबर हो? सेल्स के। सपोज सेल्स पे फिल्टर लगाना है, मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में सेल्स लिखा, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो फ्रेंड्स यहां पर इसने फॉर्मूले के थ्रू मेरे को सारा फॉर्मूला, तो मैंने एक ही जगह लगाया इसी सेल में, आप देखेंगे बाकी इसी सेल में फॉर्मूला नहीं है। राइट, फॉर्मूला केवल मेरा पहले सेल में है, लेकिन ये डेटा फ्रेंड्स आपको सारे में दिखा देगा। राइट फ्रेंड्स, तो एक फंक्शन आप ये भी यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स अपने पास एक और क्या है, आप इस सपोज ये रिपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहां पर एक ड्रॉप डाउन बन जाए, एक ड्रॉप डाउन बन जाए, उस ड्रॉप डाउन से मैं सेलेक्ट कर पाऊं कि मैं सपोर्ट को सिलेक्ट करूं तो सपोर्ट का डेटा नीचे दिखा दे, फ्रंट ऑफिस सेलेक्ट करूं फ्रंट ऑफिस, सेल्स को सिलेक्ट करूं सेल्स का डेटा मेरे को यहां पर दिखा दे। राइट, तो मैं फिल्टर को डायनेमिक बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा फ्रेंड्स? सबसे पहले यहां पर मैं एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करूंगा, ड्रॉप डाउन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? यूनिक वैल्यू ऑफ सपोर्ट फ्रंट ऑफिस सेल्स, मतलब डिपार्टमेंट की मेरे को यूनिक वैल्यू, जिसके बेसिस पे फिल्टर लगाना है। अब यहां पर तो फ्रेंड्स यूनिक नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड पे एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगा यूनिक डिपार्टमेंट की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं यूनिक डिपार्टमेंट, यहां पर लगाएंगे यूनिक का फंक्शन, यूनिक एरे, कौन सी रेंज? ये वाली रेंज। राइट, इस रेंज में, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, तो मेरे पास फ्रेंड्स ये मेरे पास आ गया जी यूनिक डिपार्टमेंट। राइट, यूनिक डिपार्टमेंट आ गए। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, डेटा के अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में यहां पर आप जाएंगे, आपको एनी वैल्यू नजर आएगा, एनी वैल्यू नजर आएगा, आपको एनी वैल्यू की जगह यहां पर करना है लिस्ट, और लिस्ट में फ्रेंड्स आपको सोर्स में जो आपकी यूनिक डिपार्टमेंट लिस्ट आई है तीनों आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है,
यहां पर फ्रेंड्स आप आएंगे, आप देखेंगे फिल्टर में आपके तीनों नाम आ चुके हैं, राइट। तो मैंने सपोर्ट को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूं जिसको सिलेक्ट करूं उसका मेरे को डेटा आ जाए। तो यहां पर फ्रेंड्स आप फॉर्मूले में जो आपने सेल्स लिखा था आप इसको हटा दो, राइट। B11 टू B19 ये रेंज सिलेक्ट किया इज इक्वल टू व्हाट दिस, जो भी ऊपर लिखा है उसके बराबर, राइट। एंटर किया तो फ्रेंड्स ये मेरे को सपोर्ट का डेटा दिखाएगा, मेरे को यहां पर फ्रंट ऑफिस का देखना है फ्रंट ऑफिस का दिखाएगा, मेरे को सेल्स का देखना है सेल्स का दिखाएगा, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स यूनिक का फंक्शन आप मल्टीपल फंक्शंस के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, अलग अलग पर्पस से यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे सॉर्ट फंक्शन की। एक फ्रेंड्स ये सॉर्ट का फंक्शन है, सॉर्ट के फंक्शन में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे सिंपल और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ये आपसे पूछेगा सॉर्ट बाय, आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है, राइट। सेल वैल्यू ऑर्डर ए टू जेड या जेड टू ए, ए टू जेड या जेड टू ए, मतलब अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट करना है जेड से, असेंडिंग डिसेंडिंग, राइट। तो मैंने बोला जी ए टू जेड, ओके। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसने फ्रंट ऑफिस सेल्स सपोर्ट एक साथ दिखा दिया। आप चाहते हैं फ्रेंड्स इस डेटा को फर्दर सॉर्ट करना कि फ्रंट ऑफिस के अंदर मेरी जो टोटल सेल आ रही है ये भी सॉर्ट हो जाए, राइट। सबसे ऊपर सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, या फिर सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी दिखाए। तो आप फ्रेंड्स डेटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे, सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट, मैं चाहता हूं पहले डिपार्टमेंट पे हो और विद इन डिपार्टमेंट मेरी जो टोटल सेल है वो भी सॉर्ट हो जाए। तो मैं यहां पर एड लेवल करूंगा, एड लेवल मैंने किया देन बाय सपोज टोटल, राइट। टोटल पे करना है, ऊपर आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट दिखाना चाहते हैं या लार्जेस्ट, मैं कहता हूं जी लार्जेस्ट सबसे ऊपर दिखाओ, ओके किया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर इसने मेरे को लार्जेस्ट सबसे ऊपर दिखा दिया, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, सेल्स के अंदर विद इन सेल्स सबसे बड़ा फिर छोटा, सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा उससे छोटा, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से आप मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स सॉर्ट का फंक्शन होता है कि सपोज मैं सॉर्टेड डेटा को अपनी रिपोर्ट में लेके जाना चाहता हूं। अब यहां तो क्या होगा, ये एग्जिस्टिंग डेटा को सॉर्ट कर रहा है, मेरे को एग्जिस्टिंग डेटा को सॉर्ट नहीं करवाना, मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, मैंने एक रिपोर्ट क्रिएट किया है जहां पर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से डेटा सॉर्ट होकर वहां पहुंच जाए, राइट। तो मैं फ्रेंड्स उसके लिए क्या करूंगा, एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं, राइट। मेरा ओरिजिनल डेटा वापस आ गया, मैंने कंट्रोल जेड करके डेटा को रिवर्स कर दिया जो मैंने अभी काम किया था। मैं यहां पर फ्रेंड्स नीचे सॉर्टेड डेटा चाहता हूं, तो यहां पर फ्रेंड्स मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, सॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, रेंज पूछता है मेरे से, रेंज फ्रेंड्स मैंने डाला, राइट, रेंज मैंने डाला एंड फिर कोमा लगाया फ्रेंड्स, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स मतलब कौन से नंबर के कॉलम पे सॉर्ट करना है। मैंने बोला जी इस रेंज के अंदर नंबर वन, जो मेरा डिपार्टमेंट है वो कॉलम नंबर वन है, तो मेरे को कॉलम नंबर वन बताना है, राइट। तो मैंने बोला जी नंबर वन, राइट, नंबर वन कोमा, इसके आगे पूछता है जी असेंडिंग करना है डिसेंडिंग, असेंडिंग के लिए वन लिखना है, डिसेंडिंग के लिए माइनस वन, मैंने बोला जी असेंडिंग कर दो, तो मैंने वन लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स एक फॉर्मूला लगाया केवल मैंने और मेरे को सारा डेटा मिल गया जो कि मेरे को सॉर्टेड, राइट, जो मैंने सॉर्ट फीचर के थ्रू एग्जिस्टिंग डेटा को किया। यहां पर फ्रेंड्स मैंने एक फॉर्मूले के थ्रू अलग जगह डेटा निकाला, इस डेटा को सपोज मैं कहीं और लगाना चाहता हूं तो वहां पर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं इस डेटा से, राइट। तो काफी काम का है फ्रेंड्स। यहां पर फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो यूनिक का फंक्शन हमने यूज किया ये एक्सेल 365 में अवेलेबल है, राइट, लेटेस्ट फीचर लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है। फिल्टर जो नॉर्मल फिल्टर है वो एक्सेल के सारे वर्जन में अवेलेबल है, बट फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको यूज करना है 365 में अवेलेबल है। सेम वे सॉर्ट के अंदर फ्रेंड्स जो आपने सॉर्ट का डेटा के अंदर जाके फंक्शन यूज किया ये एक्सेल के सारे वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन अगर फॉर्मूले के थ्रू करना है तो ये एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन एक्सेल 365 में अवेलेबल है, राइट फ्रेंड्स। अब यहां पर फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, मैंने सॉर्ट किया सिंगल फील्ड पे सॉर्ट किया, यहां पर फ्रेंड्स मैं मल्टीपल फील्ड पे, मैं चाहता हूं सबसे पहले डिपार्टमेंट सॉर्ट हो और विद इन डिपार्टमेंट फिर मेरी टोटल भी सॉर्ट हो जाए, राइट, विद इन डिपार्टमेंट मेरा टोटल भी सॉर्ट हो जाए। यहां पर मेरे को मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग, जैसे मैंने यहां पर किया था सॉर्ट में दो लेवल दिए थे, मैं यहां पर भी देना चाहता हूं मल्टीपल लेवल। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज पूछता है, मैंने बोला जी रेंज मेरी ये है, राइट, कोमा, फिर मेरे से क्या पूछता है, ये मेरे से पूछता है सॉर्ट इंडेक्स, कौन से कॉलम पे सॉर्टिंग करें। तो मेरे को फ्रेंड्स जब मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग करनी है तो मेरे को यहां पर यूज करना है कर्ली ब्रैकेट। आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट होता है अपने पास, एक स्क्वायर, एक नॉर्मल ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट वाले पे ही शिफ्ट दबा के आपका कर्ली ब्रैकेट चलता है, राइट। कर्ली ब्रैकेट लगाया और सॉर्ट इंडेक्स, पहला किस पे सॉर्ट होगा, नंबर वन कॉलम जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, राइट, जिसपे पहले करवाना है वो पहले बताना है मुझे। देन फिर कोमा लगा के अब कौन से कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है, टोटल पे, राइट। तो कौन सा है, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल नंबर फाइव का कॉलम है, तो मैं यहां पर लिखूंगा जी पांच, कर्ली ब्रैकेट को कर दो क्लोज, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कोमा लगाया, असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने बोला जी असेंडिंग करो, ऊपर सबसे छोटा नंबर दिखाओ फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा,
राइट। तो नंबर वन लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। तो लो जी फ्रेंड्स, ये सॉर्टेड डेटा आ गया फ्रंट ऑफिस के अंदर, सबसे ऊपर सबसे बड़ा 47.5, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सेल्स के अंदर सेल्स से रिलेटेड सबसे बड़ा छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। सपोर्ट के अंदर सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। राइट फ्रेंड्स, तो सॉर्टेड डेटा भी आ गया, बट ये फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको करना है, जैसे मैंने बताया आपको एक्सेल 365 में देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल सॉर्ट का फंक्शन है, जो कि डेटा के अंदर आपको मिलता है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग डेटा को सॉर्ट करेगा, वो आपको एक्सेल के सारे वर्जन में अवेलेबल है। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो डेट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।